कानपुर में एक किशोरी से छेड़छाड़ से तंग आकर उसने अपनी जान दे दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। कानपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही। शहदों के आतंक से परेशान किशोरी ने दी जान। किशोरी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। लगातार शिकायत के बाद भी नहीं की कार्रवाई। कार्रवाई न होने के चलते किशोरी ने की खुदकुशी। पुलिस की लापरवाही से गई किशोरी की जान। यूपी में शहीदों का आतंक इस कदर बढ़ गया है जिसका एक उदाहरण कानपुर में देखने को मिला है, जहां रायपुरवा थाना क्षेत्र के खलवा इलाके में शहीदों के आतंक से परेशान किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल किशोरी ने छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। इस मामले पर एडीजी ने कहा कि संबंधित अधिकारी को घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा कार्रवाई ना होने पर तलौआ निवासी किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने रायपुरवा पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और बताया है कि पुलिस से लगातार शिकायत की जा रही थी, मगर रायपुरवा पुलिस कार्रवाई के बजाय मूक बधिर बनी रही। अभी इस घटना के बारे में जानकारी मिली है, इसमें एसएसपी कानपुर नगर को और एसपी सिटी ईस्ट को इसमें निर्देशित किया गया है कि वो मौके पर जाएं और उसके बाद देखें कि क्या कारण रहे हैं, क्यों ये इस प्रकार की घटना हुई है। जो भी लापरवाही इसमें किए होंगे, जो दोषी कर्मचारी होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सरकार के सख्त रुख के बाद भी कार्रवाई में इतनी लेट लतीफ क्यों की गई? इस पर कोई भी आला अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल एसएसपी ने लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुरवा चौकी प्रभारी और दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब योगी सरकार का क्राइम के खिलाफ सख्त रुख है, उसके बाद भी कार्रवाई में इतनी देरी क्यों की गई? कानपुर से के न्यूज के लिए सुनील गुप्ता की रिपोर्ट।